गाइस सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए फोटो में, यहाँ पे मैंने लिंक आधार स्टेटस पे मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं उसकी मैंने जब स्टेटस चेक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, मतलब हमारी आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है। उसके बाद से जब मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक किया उसके बाद जब मैंने आधार स्टेटस चेक किया तो यहाँ दिखा रहा है योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, मतलब हमारी आधार कार्ड पैन कार्ड से यहाँ पे सक्सेसफुल लिंक हो चुकी है। तो गाइस आपको मैं इसकी पूरी फुल प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से ही इसको आप कैसे लिंक करेंगे। अगर आपको पता नहीं है आपकी ये आधार स्टेटस क्या है, आपकी लिंक है या नहीं, तो गाइस इस वीडियो में वो भी आप यहाँ पे उसकी भी प्रोसेस देख लेंगे, साथ में आप इसको लिंक भी आसानी से कर पाएंगे, वो भी मोबाइल से ही मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको अदर वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस अब आपको बताते हैं कि आपको कैसे आपको लिंक करना है, आधार पैन कार्ड स्टेटस कैसे आपको देखनी है और इसको कैसे अपनी लिंक भी करनी है। तो गाइस यहाँ पे आपको कोई सा भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। अब गाइज यहाँ पे देख लीजिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट है। तो गाइज इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जा करके आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद से जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस पेज पे आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। सो गाइज अब आप यहाँ पे आएंगे, इस पेज पे आएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देखिए क्विक लिंक्स, क्विक लिंक्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे बहुत ही समझने की बात है गाइज, यहाँ देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए एक सेकेंड ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस, आपको इस सेकेंड वाले ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। अब गाइज जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए गाइज यहाँ पे क्या लिख रहा है लिंक आधार स्टेटस आप। तो गाइज मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपकी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, वो स्टेटस के लिए भी आपको यहाँ पे आपको अभी कंफर्म हो जाएगी आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। जब आप ये दोनों डिटेल इंटर करके जब आप चेक करेंगे व्यू लिंक आधार स्टेटस तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। तो मैं जो आधार कार्ड पैन कार्ड से अभी लिंक नहीं है उसको मैं यहाँ पे लिंक करने की प्रोसेस बताने वाला हूँ और इसको चेक करके भी दिखाने वाला हूँ। सो गाइज यहाँ देख लीजिए मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड की यहाँ पे नंबर दोनों डिटेल यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। आपको भी सेम आधार नंबर और पैन नंबर आपको दोनों यहाँ बॉक्स में इंटर कर लेना है। उसके बाद से फिल करने के बाद आपको नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस आपको इस वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। अब गाइज जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ क्या लिख रहा है पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है। उसके बाद से गाइज आपकी ये तो आपकी कंफर्म होगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर लिंक होगी तो आपको मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाया वो दिखा देगा ऑलरेडी लिंक टू आधार पैन कार्ड, तो वो आपको शो हो जाएगी। तो आपकी लिंक नहीं है तो लिंक करने के लिए आपको देख लीजिए यहीं पर ये आपको एक लिंक मिल जाती है लिंक आधार टू, यहाँ पे लिखा है प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार टू लिंक टू योर आधार विथ पैन। तो आपको इस लिंक आधार वाली जो डार्क में दिख रही है जो ब्लू टाइप में, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये आपकी यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, फिर आपको पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे नंबर उसको इंटर कर लेना। अब गाइज यहाँ पे एक नोट नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिखा है फॉलोविंग्स कैटेगरीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार पैन कार्ड लिंकिंग, मतलब ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन है इन लोगों को आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे NRI लिखा है, मतलब यहाँ पे NRI लोग को यहाँ पे लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी नॉट अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया के सिटीजन्स नागरिक नहीं है उन लोगों को भी ये आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या जिसकी एज 80 प्लस हो गई है उसको भी आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज यहाँ पे फोटो वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे स्टेट ऑफ रेसिडेंस इज आसाम मेघालय एंड जम्मू कश्मीर, जो भी आसाम मेघालय एंड जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन लोगों को भी आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लेना है, आप इस अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब गाइज यहाँ पे आपको बता दें प्रोसेस कि कैसे आपको लिंक करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले पैन नंबर यहाँ इंटर कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर कीजिए। तो यहाँ मैं फटाफट पैन और आधार नंबर इंटर करके आगे की प्रोसेस को बताता हूँ। सो गाइज यहाँ देख लीजिए मैंने पैन नंबर और आधार नंबर दोनों मैंने इंटर कर लिया। अब आपको सिंपली दोनों इंटर करके आपको नीचे आइए, नीचे आने के बाद गाइज यहाँ देखिए एक वैलिडेट वैलिडेट की एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगी, आपको इस वैलिडेट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक देखिए कैंसिल की एक ऑप्शन है और यहाँ पे कंटिन्यू की एक ऑप्शन, दो ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको सेकेंड वाली जो कंटिन्यू टू पे थ्रो ई पैन ई पे टैक्स, तो गाइज इस पर आपको करना है क्लिक। अब गाइज जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अब देखिए बहुत ही यहाँ पे
देखने वाली प्रोसेस है आपको क्या क्या फॉलो करना है। अब आपको ई पे टैक्स पे आपको यहाँ देखिए, फिर आपको पैन नंबर यहाँ इंटर करना है, उसके बाद से पैन नंबर को अगेन इंटर कर लेना है। यहाँ पे जो भी इंटर करना है सेम यहाँ पे आपको दो बार इंटर कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने पैन को इंटर कर लिया, अब फिर सेम आपको पैन नंबर सेम इंटर कर लेना है आपको दो बार। तो गाइस यहाँ पैन कार्ड थी उसको मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया है, सेम आपको दो बार यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। जब ये आप इंटर कर लेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे पूछेगा इंटर मोबाइल नंबर फॉर OTP वेरिफिकेशन। तो गाइस आपको यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर इंटर कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपकी जो भी आधार कार्ड में नंबर यूज है आप उसको यूज कीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं उस नंबर को यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको करना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक। अब गाइस जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, उस मोबाइल नंबर पे OTP जो आएगी आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। गाइस यहाँ पे आपके मोबाइल पे 6 डिजिट की आपको OTP मिलेगी, वो OTP आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए, अगर आपकी मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आती है तो आपको 15 मिनट्स के बाद आपको अगेन रिसेंट OTP की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम पे ही OTP मिल जाएगी, मुझे तो फर्स्ट टाइम पे ही OTP आ गई। अब आपको यहाँ पे OTP इंटर करने के बाद नीचे एक देखिए कंटिन्यू की ऑप्शन है, आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ क्या लिख रहा है, यू हैव सक्सेसफुल वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। तो आपको नीचे कंटिन्यू की एक ऑप्शन है, आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है इनकम टैक्स, आपको इस वाले ऑप्शन को क्या करना है, प्रोसीड कर लेना है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है मगर इन ऑप्शनों को आपको बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको फर्स्ट वाली इनकम टैक्स वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ देखिए, मैंने प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे 3 स्टेप में ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे तो यहाँ पे न्यू पेमेंट की ऑप्शन में यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, असेसमेंट वियर। तो आपकी यहाँ पे असेसमेंट वियर में आपको सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब गाइस सेलेक्ट जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए नीचे बहुत सारे यहाँ पे आपको वियर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि 2024 से 2025, 2023 से 2024, तो आपको सबसे ऊपर जो टॉप पे दिखेगी 2024-2025, आपको इस पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ देखिए फाइनेंशियल वियर जो अभी चल रही है 2023-2024 चल रही है, और जो असेसमेंट वियर है वो 2024-2025 की रहेगी। अब आपको ये वाली आपकी ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद से यहाँ देखिए टाइप ऑफ पेमेंट, मतलब आप पेमेंट की टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करने की ऑप्शन आपको दी जा रही है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं मगर कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना, आपको नीचे देखिए एक ऑप्शन है अदर रिसिप्ट्स, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए, अब नीचे 3 से 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको टिक करने की ऑप्शन आ जाती है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन जो देख रहे हैं, फी ऑफ डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, मतलब आप इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे टिक कर लेना है। जैसे आप इसको टिक करेंगे उसके बाद देखिए कंटिन्यू नीचे ऑप्शन मिल जाएगी, आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। अब गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले समझने की बात है, आपको सबसे नीचे आइए। अब गाइस यहाँ पे दिखा रहा क्या 1000, मतलब आपको 1000 पेमेंट करनी पड़ेगी आपको लिंक करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है तो उस टाइम फ्री थी, फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पे 500 रुपया चार्ज यहाँ पे पेमेंट लगने लगा, उसके बाद से यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अभी 1000 आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो गाइज आप 1000 आपको यहाँ पे लिंक करना है तो आपको 1000 आपको पेमेंट करना होगा। अब गाइज मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दूँ कैसे आपको पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे एक देखिए कंटिन्यू की ऑप्शन है, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस जैसे नीचे आप यहाँ पे आइएगा कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करके, यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करना तो यहाँ पे नेट बैंकिंग की बहुत सारी यहाँ पे बैंक्स आपको शो करेगी, जिसमें आपकी भी बैंक हो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप नीचे देखिए अदर बैंक, आप इस अदर वाले बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी बैंक की जो भी नाम है आप इसे एंटर करके आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नेट बैंकिंग करना या आप चाहते हैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करना तो आप डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आप अपनी बैंक को यहाँ से सेलेक्ट करके आप आसानी से डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ स्क्रॉल करेंगे यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है
पे एट बैंक काउंटर, अगर आप यहाँ पे बैंक काउंटर से ये ऑप्शन है, यहाँ पे कैश चेक ये सब ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है। यहाँ पे देखिए RTGS NEFT भी के थ्रू आप पेमेंट 1000 कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे देखिए एक लास्ट में ऑप्शन है पेमेंट गेटवे। ये पेमेंट गेटवे गाइज बता दूँ, अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा पेमेंट गेटवे में। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे भी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे बैंक्स के नाम दिखेंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर आपकी बैंक यहाँ पे आपकी शो नहीं कर रही तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई सा भी बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, बस यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना, आगे आपको UPI की ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं SBI को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने SBI को सेलेक्ट किया। उसके बाद से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब गाइज जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपकी टोटल डिटेल आपको यहाँ देख सकती है जो भी आपने सेलेक्ट किया है। अब गाइज यहाँ पे आप नीचे आइए, नीचे आने के बाद गाइज देखिए 1000 यहाँ पे आपकी पेमेंट की है डिटेल। अब फिर एक ऑप्शन आपको मिल जाती है पे नाउ एंड पे लेटर, आपको पे नाउ वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइज जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ देखिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन इनकी है, तो आपको स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करके नीचे देखिए एक ऑप्शन है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको इस पर टिक लगा देना है। जैसे आप इस पर टिक लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक सबमिट की नीचे एक ऑप्शन है, आपको इस पर करना है क्लिक। यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया। अब गाइज जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि UPI ऑप्शन आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे देखिए वो UPI ऑप्शन आपको यहाँ मिल चुकी है। यहाँ पे अगर आप अदर बैंक नेट बैंकिंग करेंगे तो यहाँ पे 6 रुपया बैंक चार्ज भी कट होगा, तो आपको UPI में बिल्कुल भी चार्ज नहीं पे करनी पड़ेगी। जैसे कि 1000 आपको पेमेंट करना है तो 1000 ही आपके बैंक अकाउंट से कट होगी। तो आपको UPI वाले ऑप्शन पर क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे गाइज यहाँ देखिए यहाँ पे 5 मिनट की यहाँ पे टाइमिंग है, आपको 5 मिनट से पहले आपको फटाफट यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लीज़ सेलेक्ट, तो आपको VPA वाली ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करके गाइज यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है VPA, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है VPA में अपनी जो भी UPI ID आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। आपको इंटर करके आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन नीचे देखिए है, आपको इस पर क्लिक कीजिए। अब गाइस जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे टोटल डिटेल दिखेगा VPA, आपको एक बार फिर कन्फर्म वाली ऑप्शन है, आपको अगेन कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइज जैसे आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ देखिए नीचे यहाँ पे आपकी टाइमिंग चल रही है, यहाँ पे 3 मिनट्स के अंदर आपको पेमेंट कर लेना है। ये जो आपने UPI इंटर किया है वो आप उस UPI पे आपकी पेमेंट की यहाँ पे आ गई होगी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं पेटीएम की UPI ID मैंने इंटर किया था, तो यहाँ देखिए पेटीएम की UPI ID यहाँ पे सक्सेसफुल 1000 की आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, पे वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे वाली ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, अपनी जो भी ऑप्शन है पेमेंट की आपको इसको सेलेक्ट करके आपको सबसे पहले 1000 पेमेंट। सो गाइज यहाँ पे मैंने देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सक्सेसफुल यहाँ पे हमारी पेमेंट हो चुकी है, यहाँ पे 1000 की पेमेंट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसी को ओपन करके यहाँ पे अब आ जाना है अपनी उसी वेबसाइट पे। तो गाइज यहाँ पे देखिए अब अभी ये कुछ ही देर में यहाँ पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगी सक्सेसफुल पेमेंट पेज पे। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, मतलब आपकी ये जो भी ट्रांजेक्शन है वो 100 यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको ओके वाली ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब गाइज जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिखा रहा है, उसके बाद से ये रिडायरेक्ट होगी, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ये रिडायरेक्ट हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे देखिए द चलान पेमेंट इज सक्सेसफुल, मतलब ये जो भी आपने पेमेंट किया वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको नीचे देखिए एक डाउनलोड की ऑप्शन है, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आप इसको क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड वाली ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे आप इसको PDF में व्यू भी कर सकते हैं। अब गाइज इतना कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ये आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है। गाइज अभी आपकी लिंक नहीं हुई है, पेमेंट अभी आपकी सक्सेसफुल हुई है। अब लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए गाइज ये जो आपको दिखा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है या तो फिर होम वाली ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है, दोनों में से किसी एक पे आप क्लिक कीजिए। अब गाइज जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे देखिए आप इसके होम पेज पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको सेकेंड काम क्या करना है, यहाँ पे देखिए थर्ड वाली ऑप्शन है लिंक आधार, आपको इस लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
सो गाइज जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे ऑल डिटेल, यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो आप जब वो कंप्लीट हो जाए पेमेंट, उसके बाद फिर अगेन आपको पैन नंबर इंटर कर लेना है, फिर आधार नंबर को इंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट इंटर करके आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं पैन नंबर और आधार नंबर को इंटर कर लिया। अब आपको भी सेम प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। फॉलो करके आप नीचे देखिए यहाँ पे वैलिडेट की एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी। इस वैलिडेट वाली ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंटिन्यू टू पे। यहाँ पे अभी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई है दिखा रही है, तो आपको 5 मिनट तक वेट कर लेना है। गाइज जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल वहाँ से हो जाएगी तो आप जब आओगे चेक करने, तो मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पे लिंक नहीं दिखा रही, तो आपको 5 से 10 मिनट का वेट कर लेना है। तो मैंने 5 मिनट जस्ट वेट किया, उसके बाद से मैं इस पे देखी गाइज चेक वहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने ऑल डिटेल इंटर करके। तो गाइज यहाँ दिखा रहा है योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, मतलब आप पेमेंट डिटेल वेरीफाइड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपने कितना अमाउंट पे किया, 1000। यहाँ पे आपको डेट भी यहाँ दिखा देगी किस डेट को आपने पेमेंट किया, यहाँ पे वो भी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे जब आप 5-10 मिनट बाद आओगे तो गाइज आपकी यहाँ पे भी ये सक्सेसफुल पेमेंट आपकी दिखा देगी। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए एक दो ऑप्शन है, एक बैक है, एक कंटिन्यू की। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। गाइज जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर पूछ रहा है नेम एज पर आधार, जो भी आधार कार्ड पे आपकी नाम है सेम नाम आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटर कर लेना है। तो आपको सेम नाम इंटर कीजिए, उसके बाद से आपको आधार कार्ड पे जो भी आपने मोबाइल नंबर इंटर किया है यहाँ पे लिंक किया आपने, उस मोबाइल नंबर को आपको इंटर कर लेना है। तो ये दोनों प्रोसेस को फॉलो करके आपको मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने आधार कार्ड की सेम नाम को मैंने इंटर कर दिया, मोबाइल नंबर को भी मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाती है, आई हैव ओनली वियर्स ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड पे खाली बर्थ्स में यहाँ पे आपकी साल की दिखती है, वियर्स की दिखती है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपकी ऑल डेट्स किस मंथ सब कुछ दिखती है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन को आप सेलेक्ट भी नहीं करोगे तब भी आपकी काम चल जाएगी। आपको नीचे एक ऑप्शन है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, आपको इस वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ देखिए यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया। अब आपको लिंक आधार आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो गाइज अब आपको क्या होगा, यहाँ पे आप जो मोबाइल नंबर इंटर किए हैं आपको उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट की OTP आएगी, आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है और ये OTP यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी 15 मिनट्स में। तो आपको 15 मिनट्स के पहले आपको ये OTP इंटर कर लेना है आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आई है। गाइज यहाँ पे मैंने 6 डिजिट की OTP को मैंने यहाँ इंटर कर लिया, आपको भी इंटर करके आपको वैलिडेट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइज जैसे वैलिडेट वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लिख रहा है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सेंट फॉर वैलिडेशन। तो गाइज इन केस रिक्वेस्ट प्लीज़ चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस अंडर क्विक लिंक्स ऑन होम पेज। तो गाइज यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी जो लिंकिंग आधार कार्ड पैन कार्ड से जो लिंकिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है वैलिडेशन के लिए, और ये वैलिडेशन के लिए आपको यहाँ पे टाइमिंग लगेगी 48 आवर्स। तो गाइज मतलब 48 घंटे लगेंगे, मतलब यहाँ पे आपकी 2 दिन की टाइमिंग लगेगी आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होने के बाद। जब आप 48 घंटे आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, लिंक आधार स्टेटस पे आपको अपनी आधार कार्ड की स्टेटस चेक कर लेनी लिंक है या नहीं, तो आपको सिंपली 48 घंटा वेट कर लेना है। तो गाइज अगर आपके 48 आवर्स में आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो आपको 7 डेज तक आपको वेट कर लेना है, मगर मैक्सिमम 48 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाती है। आपको अब क्या करना है, ओके वाली ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। अब गाइज इस पर क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे। जब गाइज आपके 48 आवर्स कंप्लीट हो जाएगी आपको ये देखिए सेकेंड वाली जो प्रोसेस है लिंक आधार स्टेटस इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके गाइज आपको 48 घंटे के बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। जब आप चेक करोगे यहाँ पे अगर आपकी दिखाएगी योर पैन आधार इज ऑलरेडी लिंक टू आधार दिस आधार, तो आपको ये आप समझ सकते हो कि आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड से सक्सेसफुल लिंक हो चुकी है। आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।